झारखंड हाईकोर्ट में 12 सितंबर की सुबह हुई तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन अचानक पूरे हाईकोर्ट बिल्डिंग की बिजली ही गुल हो गई। तकनीकी खराबी के कारण 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक हाईकोर्ट अंधेरे में रहा। अधिवक्ता कोर्टरूम के कॉरिडोर में बैठे रहे और इस दौरान कृत्रिम लाइट के साथ कोर्टरूम की कार्यवाही की शुरुआत हुई। लगभग 11 बजे बिजली बहाल हुई और कोर्ट इसे लेकर गंभीर भी नजर आया। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के नए नवेले हाईकोर्ट का जब उद्घाटन हुआ तो इसे देश के सबसे आलीशान, भव्य और हाईटेक सुविधाओं से लैस हाईकोर्टों में एक बताया गया, लेकिन हाईकोर्ट की यही भव्यता 12 सितंबर को 1.5 घंटे तक अंधेरे में गुम रही। तकनीकी खराबी के कारण हाईकोर्ट की बिजली आपूर्ति 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक ठप रही। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता निर्धारित समय पर जब सुबह 10:30 पर कोर्टरूम पहुंचे तो पूरे परिसर में चारों तरफ अंधेरा पसरा था। काफी देर तक ज्यादातर अधिवक्ता हाईकोर्ट के कॉरिडोर में ही बैठे रहे। वहीं कोर्टरूम में कृत्रिम लाइट में कार्रवाई शुरू की गई। आनन फानन में सुबह 11 बजे हाईकोर्ट की बिजली बहाल हुई। मामला सूबे के सबसे बड़े अदालत के अंधेरे में गुम होने का था। मामला हाईकोर्ट के काम में खलल पड़ने का था, लिहाजा हाईकोर्ट इसे लेकर गंभीर और संजीदा दिखा। सरकार भी इसकी गंभीरता को समझती थी, वो भी मिलोट को नाराज नहीं कर सकती थी। फौरन कोर्ट में चीफ सेक्रेटरी और पावर सेक्रेटरी हाजिर हुए। दोनों ने कोर्ट को भरोसा दिया कि दोबारा कभी बिजली इस तरह लापता नहीं होगी, हर जरूरी वैकल्पिक इंतजाम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। तो देखा आपने कि झारखंड हाईकोर्ट में 12 सितंबर की सुबह तो सब कुछ सही से चल रहा था, सामान्य था, लेकिन अचानक पूरे हाईकोर्ट की बिल्डिंग की बिजली ही गुल हो गई। और अगर हम बात करें हाईकोर्ट की, तो झारखंड हाईकोर्ट लगातार तल्ख टिप्पणी कर रहा है, चाहे वो बिजली की व्यवस्था हो या फिर ट्रैफिक की व्यवस्था हो, क्योंकि हमने पिछले दिन भी कई देखा है कि झारखंड हाईकोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था को भी फटकार लगाई थी और उसे सही ढंग से करने का आदेश भी दिया था। तो दूसरी तरफ अगर हम 12 सितंबर की अगर बात कर ले तो तकनीकी खराबी के कारण 1.5 घंटे से ज़्यादा देर तक हाईकोर्ट अंधेरे में रहा और कोर्ट इसे लेकर गंभीर भी हुआ। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अमित, देखिए चाहे वो ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर हो या फिर बिजली की व्यवस्था को लेकर हो, हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड हाईकोर्ट सख्त टिप्पणी कर रहा है, आदेश दे रहा है, फटकार लगा रहा है। और इसी बीच कुछ ऐसा ही हुआ जब पूरे हाईकोर्ट की बिल्डिंग की बिजली ही गुल हो गई। क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी अंकिता, ये सही है कि इसमें हाईकोर्ट का बिजली कुछ देरी के लिए अंधकार में रहा, जिसमें सभी विधि व्यवस्था जो है वो चरमरा सी गई थी। मिली ब्लॉक सेक्शन दो भागों में बटा हुआ है पूरा हाईकोर्ट, और ये तकरीबन आपका जो है वो 25 से 30 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। तो ऐसे में बिजली व्यवस्था के लिए जो सुचारू व्यवस्था से चले, इसके लिए वहां पर एक जनरेटर होम भी बनाया गया है। तो जनरेटर होम में ही कुछ गड़बड़ी आ जाने की वजह से जो है वहां पर बिजली आपूर्ति जो है वो पूरी तरह से हो नहीं पाया था। जी अंकिता, जिसे बाद में हालांकि ठीक कर दिया गया। जी जी, देखिए अमित, अगर हम बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था को भी लेकर हमने देखा है कि हाईकोर्ट टिप्पणी करता है, और अब क्योंकि बिजली की व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की गई है और वहां पे गंभीर भी होता हुआ हाईकोर्ट नजर आया, तो अब क्या लग रहा है? क्योंकि बिजली की समस्या सिर्फ आज से नहीं, आम जनता भी झेलती है, और आम जनता ने भी कई बार शिकायत की है कि बिजली सही से नहीं दिया जाता है, पावर कट कर दिया जाता है, बहुत बहुत देर तक ऐसी समस्याएं हो जाती है कि अगर मान लीजिए किसी दुकान में फ्रिज है तो वहां पे जो ठंडी होने की चीजें रखी जाती है वो गर्म हो जाती है, इतनी गंदी बिजली की व्यवस्था हो गई है राजधानी रांची में। तो क्या अब क्या लग रहा है अमित, क्योंकि अब हाईकोर्ट बिल्डिंग का ही पूरा बिजली गुल हो गया, तो उसके बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की और आदेश भी दिया है, तो क्या लग रहा है अब सही से बिजली रह पाएगी राजधानी रांची में? जी अंकिता, ऐसा है कि जनता सरकार चुनती है और उम्मीद करती है कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, लेकिन सरकार जो है वो सत्ता में आने के बाद वो बदल सी जाती है, और ये शुरू से ये परिपाटी चलती रही है। तो ऐसे में जो आम लोग हैं उसकी निगाहें फिर कोर्ट की तरफ ही जाता है कि कोर्ट क्या कुछ कहती है, कोर्ट के अनुसार ही फिर फटकार लगाए जाने पर सरकार जो है वो काम कर पाती है। तो सड़क की जहां तक बात है या बिजली व्यवस्था की बात है, तो पूरे शहर में
इन दिनों बिजली की समस्या गंभीर बनी हुई है। आए दिनों रोज एक घंटे दो घंटे के लिए आती है, फिर जाती है, घंटे दो घंटे फिर रहती है, फिर जाती है। तो यही परिपाटी लगभग चली आ रही है और सड़कों में भी वही हाल है। पिछले जब बीजेपी का महारैली मतलब आंदोलन हुआ था, जिस दौरान चीफ जस्टिस भी फंस चुके थे सड़क पर, जाम में फंस चुके थे, जिस पर उन्होंने डीजीपी को भी कटघरे में मतलब कि अपने पास बोला, लाइन हाजिर करवाया कि आप आइए और यहाँ पर स्पष्टीकरण दीजिए। तो इस दौरान देखा जा रहा है कि जो कोर्ट है वो सख्त रुख अपनाए हुए है, चाहे वो सड़क की बात हो या फिर घर की बात हो। घर में बिजली की समस्या से आम लोग तो परेशान है, जिसे कोर्ट इस चीज को समझ रही है, और सड़कों में चलना दुश्वार हो चुका है, जिसे कोर्ट इस चीज को समझ रही है। इसलिए कोर्ट जो है समय समय पर जो सरकार को है वो फटकार लगाते रही है। जी अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि झारखंड हाईकोर्ट की पूरे हाईकोर्ट बिल्डिंग की बिजली गुल हो गई और तकनीकी खराबी के कारण कहा गया कि 1.5 घंटे से ज्यादा देर तक हाईकोर्ट अंधेरे में रहा और अधिवक्ता कोर्ट रूम के कॉरिडोर में बैठे रहे, लेकिन इस दौरान किसी तरीके से कृत्रिम लाइट के साथ कोर्टरूम की कार्यवाही तो शुरू हुई और लगभग 11 बजे बिजली बहाल होती है, लेकिन कोर्ट इसे लेकर काफी ज्यादा गंभीर नजर आया है। हालांकि कहा गया है कि अब ऐसा कभी भी नहीं देखने को मिलेगा।